हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखो, आज मुझे कौन सा केक बनाने का ऑर्डर मिला है। थोड़ा थोड़ा आपको किंडर जॉय दिख रहा होगा, तो आप लोग समझ गए होंगे कि किंडर जॉय वाला केक बनाना है। यस, मुझे किंडर जॉय वाला ही केक बनाना है। यहाँ पे ये केक चॉकलेट फ्लेवर में है। पहले जब मुझे ऑर्डर आया कि किंडर जॉय वाला केक बनाना, तो मुझे ऐसा लगा कि क्रीम के अंदर किंडर जॉय का जो चॉकलेट आता है वो डाल करके फिर उसे बनाना होगा। तो कस्टमर ने फिर क्लैरिफाई किया प्रॉपर तरीके से कि नहीं, वैसा नहीं करना है, कि आपको सिर्फ किंडर जॉय और ओरियो रख देना है केक के ऊपर। मैंने कहा कि ठीक है, तो मैंने ऐसा ही किया। लेकिन जब आपके साथ आपके सामने प्रॉपर इमेज नहीं होता है ना केक का, तो आप बहुत कंफ्यूज होते हो कि कैसा रखेंगे तो कैसा अच्छा लगेगा, क्या अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे मैं बार बार रख के देख रही थी कि कैसे अच्छा लगेगा, क्या अच्छा नहीं लगेगा। तो वही मैं ट्राई कर रही थी, तो वही मैं देख रही थी कि अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो मैं बार बार उसको चेंज कर रही थी। प्रॉपर इमेज ना होने के कारण ऐसा होता है। तो यहाँ पे मैंने फाइनली अच्छा लुक तो दिया है केक को, बहुत ही अच्छा लग रहा था रियल में देखने पे, ऐसे भी कैमरे में बहुत अच्छा दिख रहा है। तो यहाँ पे मैंने ये केक रेडी कर दिया, लेकिन मैंने सारी जगह पे चॉको स्टिक लगा दिया था। तो मुझे बाद में याद आया, अरे मुझे तो ओरियो भी रखना था, क्योंकि बच्चे को क्या बोलते हैं, किंडर जॉय और ओरियो दोनों पसंद है। और ये केक पे ना मुझे नाम लिखना था गुजराती में। मैं गुजरात से हूँ, बच्चे का भी नाम कस्टमर को चाहिए था गुजराती में। ओके, तो मैं यहाँ पे पहले मैंने लिखा डायरेक्ट केक पे, लेकिन स्पेस कम होने की वजह से वो प्रॉपर लिखाया नहीं। फिर मैंने यहाँ पे वेफर स्टिक पे लिख दिया और ये अच्छे से लिखा गया। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि ये केक आप लोगों को कैसा लगा है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाय।